गोवा कांग्रेस में टूट, कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी अब वैकल्पिक, सिर्फ फॉर्म भरकर अप्लाई करने वालों को ही मिलेगी सब्सिडी। रविशंकर प्रसाद ने बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला, कहा ममता राज में बंगाल में कानून का राज हुआ खत्म, ममता जितना अत्याचार करेंगे बीजेपी उतनी बढ़ेगी। आज गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के साथ होंगे चिराग पासवान, सूरत में हिंदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चिराग पासवान संसद की राजभाषा समिति के सदस्य हैं। राजस्थान में सियासी जमीन मजबूत करने की तैयारी में AIMIM, दो दिन के राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचे ओवैसी। कल देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की, सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत महाराष्ट्र में निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर हुई। लखनऊ में एसपी विधायकों के घर पुलिस का पहरा, आज महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन की थी तैयारी, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। यूपी के पूर्व मंत्री और एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा को घर पर ही पुलिस ने रोका, पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। सीएम योगी का गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम, सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। आप विधायक आतिशी ने बीजेपी के खिलाफ शुरू किया कूड़ा विरोधी अभियान, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर प्रदर्शन, एमसीडी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने शुरू किया अभियान। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश, हमारे विधायकों को दिया जा रहा है 25-25 करोड़ का ऑफर। बीजेपी नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा आम आदमी पार्टी की नीतियों से तंग आकर विधायक खुद ही पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 8वां दिन, केरल के नवाईकुलम से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत, बाल संरक्षण आयोग ने यात्रा में बच्चों को शामिल करने पर आपत्ति जताई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई 15 सितंबर तक टली। जीतन राम मांझी का बेहद विवादित बयान, नाबालिग से गैंगरेप के सवाल पर कहा 12 करोड़ की जनसंख्या है, इस तरह की घटना होती रहती। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की एसआईटी के सामने आज पेशी, 2015 के कोट कपूरा पुलिस फायरिंग मामले में एसआईटी के सामने पेश होना। नीतीश के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार की आज पटना कोर्ट में सुनवाई, अपहरण के आरोप में कार्तिक कुमार को बिहार पुलिस तलाश रही है, कार्तिक के खिलाफ जमानती वारंट जारी है। बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने की प्रशांत किशोर से मुलाकात, कल शाम हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। बिहार में खुद को चोरों का सरदार बताने वाले मंत्री सुधाकर सिंह से सीएम नीतीश कुमार नाराज, मंत्री एबीपी न्यूज पर बोले अपनी बात पर कायम। बिहार सरकार पर लगातार हमलावर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा बिहार जेडीयू में विद्रोह होने वाला है और जल्द भगदड़ जैसे हालात होंगे। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ हुए बदमाश, बाइक सवार बदमाशों ने NH-28 और NH-31 पर कई किलोमीटर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की, एक की मौत 9 घायल। बीजेपी ने बेगूसराय की घटना को लेकर नीतीश सरकार को घेरा, सुशील मोदी ने कहा गठबंधन सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, गिरिराज बोले बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे बेगूसराय, फायरिंग की घटना में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी हमलावर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को जंगल राज में धकेल दिया है। दिव्यांगों से जुड़े हुए मेडिकल उपकरणों पर GST लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, खाई में गिरी मिनी बस, सेना में किया रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। यूपी के महोबा में स्कूल बस पलटी, 15 बच्चे घायल हुए, ट्रक से ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। उन्नाव में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत, 1 घायल, गंगा बैराज पर हुआ हादसा, मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया।
केरल के कन्नूर में आवारा कुत्तों ने किया युवक पर हमला, अस्पताल में एडमिट। रास्ते में आवारा कुत्ते से टकराई थी युवक की बाइक, आवारा कुत्तों के झुंड ने किया युवक पर हमला। कानपुर में एल्यूमिनियम प्लेट चुराने गया शख्स ऊंचे टावर पर फंसा, 3 घंटों की मशक्कत के बाद चोर को उतारा जा सका। टावर पर फंसने के बाद खुद ही किया था फायर ब्रिगेड को मदद के लिए। नोएडा में काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए तो टाइल्स लगाने वाले ने जला दी युवक की मर्सिडीज कार, घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के बदायूं में पुलिस ने हुक्का बार किया सील, नशा करते लड़के लड़कियों का वीडियो वायरल। दिल्ली पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था गिरोह, 2 कंप्यूटर लैपटॉप 21 मोबाइल फोन बरामद। हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर हत्याकांड में सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, थार कार चालक प्रांजल समेत उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।